Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। इंदौरा के तहत दाहक कुलाड़ गांव में पानी की टंकी में मां बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जमीन में बनी टंकी से संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटे का शव बरामद कर लिया गया है। घर के लोगों ने सुबह 8 बजे पानी आने पर जब टंकी का ढक्कन खोल के देखा तो मां बेटे की लाश उसमें पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही डीएसपी साहिल अरोड़ा, एसडीएम गौरव महाजन मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देज की घात मारी गई है, सास और सौरा जुआई, जुआई बीच सास का ज्यादा कसूर है, सच फंग कर दी रही है। जो भी देज के खातर फलानी चीज डिमांडा कर दी रही है, कार तक डिमांड की थी। पहले भी शिकायत या कोई था? पहले भी शिकायत में घर आई, एक बार समझा गया है। और पंचायत में कोई बात हुई? पंचायत में नहीं हुई बात, मैंने की नहीं के घर में सास सौरे से बात की, सौरा मानता सौरे की सुनता नहीं। कल भी सौरे को मैं फोन किया, बोलता भी मेरी कहना नहीं मानते। इसका नहीं भी इससे बागी है, मुड़े भी इसके बागी है। तो आपके कहना ये है कि इन्होंने मारी, जो बच्चे को भी मार दिया उन्होंने, उसको भी मार दिया, बच्चे को भी मार दिया, दोनों को मार दिया। मतलब पानी पेट के पानी नहीं है, बूंद भी जिंदा बंदा साल हो तो पानी भर जाता। मैं तो उसी टाइम पर जजमेंट कर गया। लड़ाई इन्हें कल भी हुई ना, लड़ाई चौथी कसूर बारो फोन करके जिंदी जाना पूरी पट्टी टॉर्चर करती रही है। पुष्पा जी आप बताएंगे, ये जो लड़की मरी है उसका बच्चा मरी, इसके प्रति क्या है कुछ बताएंगे आप? ऐसे है जी, मुझे तो देखो ये पता नहीं उसका क्या, उसका दिमाग में क्या बात आई। इस घर में तो कभी पहले ना तो हमने कोई लड़ाई झगड़ा सुना, और जहाँ तक लड़के के ताल्लुक है वो तो इतना अच्छा लड़का है, वो धार्मिक संस्कारों का है, क्लब में काम करता है, कभी शराब सिगरेट शराब कभी उसने हाथ ही नहीं लगाया। मैं उनकी बगल में ही रहता हूँ, यहीं साहब उसके माता पिता का, उसका बाप भी बड़ा शरीफ, मतलब इनसे बढ़कर कोई अच्छा इंसान इस लड़के से बढ़कर कोई है ही नहीं मेरे गाँव में। कोई पहले शिकायत नहीं, कभी सुना ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नज़दीक रहता हूँ इनके, कभी सुना ही नहीं। मैं पूरा गांव इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है, कभी कुछ हुआ ही नहीं, ना ही सुनने में आया। अंदर की बात कोई होगी वो उसके बारे में। हम सास के प्रति कुछ है कुछ नहीं, हमने ये भी नहीं सुना, ना ही देखा ना ही सुना हमने कभी। जबकि वे दोनों वक्त मंदिर में आते हैं, वहाँ कथा होती है, कार्यक्रम चला हुआ है, धार्मिक ख्यालों के लोग हैं। और आपको कैसे मालूम हुआ ये? हमें तो सुबह मालूम ऐसे हुआ कि उनकी भाग गई है, बहू भाग गई है, कोई घर में बात विवाद हुआ होगा। शाम तक हमें भी इसी का किसी काम को कोई पता ही नहीं था इस बात का। तो जब 5 बजे हम मंदिर में कथा कर रहे थे, वहाँ आकर पता चला कि इनकी बहू जो है मिल नहीं रही। तो हम भी नज़दीक होने के नाते, अपने नज़दीकी रिश्तेदारी होने के नाते या संबंधी होने के नाते, सभी गाँव के लड़के हैं उसको ढूंढने निकले। अंत में आकर ये पता लगा कि जब कभी, मेरे ख्याल 9:30 की बात रही होगी, सुबह 4 बजे से ढूंढ रहे थे, सभी गाँव ढूंढ रहा था। तो जब उसकी मतलब सास ने नलके की टंकी को देखा तो वहाँ ये बच्चे के साथ बड़ी उसकी लाश ऊपर तर रही थी। तो ये हमें देखने में यही मिला। सर ये जो आज कांड हुआ इसके बारे में स्टेटस बताएंगे क्या क्या है? आज हमें पुलिस थाने में सुबह सूचना मिली कि एक लेडी सपना रानी व उसके 3-4 साल के बेटे का जो शव है वो घर के आंगन में ही एक पानी का टैंक है उसमें पड़ा हुआ है। जिसके बाद पुलिस मौके पर आई, हमने लड़की के शव और बेटे के शव को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हम दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, और जैसे भी रिपोर्ट आएगी वैसे आगामी जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये शुरुआती जांच में कुछ पाया गया? अभी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।